हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। वंस अगेन सो गाइस, मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक नई वीडियो, और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक नई चीज़। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, और आप लोगों को पता चल गया होगा आज की वीडियो के टाइटल से, कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अगेन टीम टॉक के ऊपर। सो सबसे पहले जिन लोगों को टीम टॉक के बारे में नहीं पता, मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देना चाहता हूँ गाइस, कि टीम टॉक एक बहुत ही अच्छा वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो उसको, या तो आप उसको पेड सर्विस में यूज़ कर सकते हो। एंड दोनों ही फीचर्स उसके बहुत ही कमाल के हैं। अब उसको कैसे यूज़ करना है, क्या है उसका प्रोसेस, हाँ ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैंने एक पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनाकर डाली हुई है अपने टेक्निकल डीएनए यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है टीम टॉक, ठीक है, और वहाँ पे मैंने पूरा बताया कि टीम टॉक क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या उसका वर्क है, मतलब सब कुछ बताया जितना मतलब उस सॉफ्टवेयर में बताना चाहिए उस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। आप लोग हमेशा ट्राई करते हो जूम गूगल मीट, और जूम गूगल मीट से मतलब जूम गूगल मीट की अगर मैं बोलूँ वॉइस क्वालिटी, तो टीम टॉक की जो वॉइस क्वालिटी है वो जूम और गूगल मीट से नेक्स्ट लेवल की है गाइस। तो बहुत ज़्यादा मैं तारीफ़ करती, तो आप लोगों अगर नहीं पता तो पहले आप पहले इसकी वीडियो देख के आइए, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा। और जो जिन लोगों को पहले से पता है टीम टॉक के बारे में, या जिन लोगों ने मेरे पहले की वीडियो देख चुके हैं टीम टॉक के बारे में, उन लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, कि आज का वीडियो बेसिकली ये होने वाला है कि हम लोग कैसे टीम टॉक पर हम लोग किसी दूसरे पर्सन को या अदर पर्सनस को, जो कि हमारे साथ मीटिंग में जुड़े हुए हैं या हमारे चैनल पर हैं, उन तक हम अपने कंप्यूटर साउंड को कैसे पहुँचा सकते हैं। अभी गाइस, टीम टॉक की एक कहूँ तो मतलब माइनस पॉइंट या ड्रॉबैक ये है गाइस, कि टीम टॉक में कोई भी ऐसा डायरेक्ट फीचर नहीं है जिसके थ्रू आप टीम टॉक में मतलब वॉइस को पहुंचा सके, मतलब लाइक डेस्कटॉप साउंड शेयर कर सको, जैसे जूम में होता है ना, वैसे टीम टॉक में नहीं होता ऐसा कुछ। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपके लक्ष्मण भाई हैं बड़े जुगाड़ू इंसान, तो आप लोग गाइस ये जुगाड़ को फॉलो कर सकते हैं जो मैं लगाता हूँ। तो वो जुगाड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये जुगाड़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल की वॉइस क्वालिटी मतलब प्रोवाइड कराता है ये टीम टॉक पे, ठीक है। चलिए, मैं एक्चुअली गाइस वर्चुअल केबल से शेयर करूँगा टीम टॉक पे वॉइस। तो वर्चुअल केबल क्या है, अगर आप लोगों इसके बारे में नहीं पता, चिंता करने की बात नहीं है, मैंने पहले इसके बारे में बताया है, लेकिन आज की वीडियो में इसको एकदम शुरू से करके दिखाऊँगा सब कुछ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो वर्चुअल केबल का जो सेटअप है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक जिप फाइल होगी, मैं इसको पिन कमेंट के अंदर में दे दूंगा उसका ड्राइव का लिंक, तो आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके पास से ऐसा एक नाम का मतलब फाइल मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वी प्रेस, आपको ये फाइल मिलेगी virtual_cable-technical-dna। ये एक्चुअली होगी जिप फाइल, आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो सेम नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा हुआ है, मैं जस्ट इस पर करता हूँ एंटर, मैं कर दिया एंटर यहाँ पे। ओके सॉरी, सो यहाँ पे अभी आप लोगों को कहीं और जगह पे आप लोगों को नहीं जाना, आप लोगों को सीधा यहाँ पे प्रेस करना है एस, ताकि आप सेटअप पे पहुँच जाए। मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एस, यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंटर, या फिर यहाँ पे यूजर अकाउंट का डायलॉग बॉक्स पूछता है, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। virtual line cable c colon backslash program files backslash java backslash jdk dash 18 backslash bin backslash virtual audio cable installation dial. अभी यहाँ पे मैं जो this PC इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, जो फोल्डर है virtual line cable dash technical DNA row 1 column 2 virtual audio cable installation dialog virtual audio cable 4.62 will be installed on your computer. To learn about the product, click the quote help quote button. Do you want to continue? No button, alt plus n. तो यहाँ पे यस पे अपलोड करना है क्लिक, इसको इंस्टॉल करने के लिए help button yes button alt plus y स्पेस करता हूँ space setup dot virtual audio cable installation dialog please read the license agreement colon I तो accept पे कर दो क्लिक, edit read only multi y accept button space setup virtual audio cable installation dialog start menu folder name important make sure you have uninstalled any previous version of this product if you forgot to uninstall it exit the installation process uninstall the previous version and start the okay, tab press करता हूँ exit button edit selected c colon backslash program installation folder path edit selected I am an advanced user give me additional options checkbox not checked इस पे आपको नहीं करना check help button help install button install पे करना है क्लिक। अच्छा, अब इंस्टॉल पर क्लिक करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ अगर आप लोग एक बेसिक यूज़र हैं तो आप लोग पहले एक नॉर्मल जो साइड पर्सन होगा उसको अपने साथ रखिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है। बेसिकली होता क्या है कि इसको इंस्टॉल करते वक्त जब इंस्टॉल हो जाता है तो अपने आप ये पूरे के पूरे सिस्टम को अपने सिस्टम में मतलब अपने सॉफ्टवेयर या अपने जो वर्चुअल जो केबल है उस पर शिफ्ट कर देता है। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम पर ये कन्फिगर नहीं हुआ रहता, इस वजह से क्या होता है कि आपके NVIDIA की आपके सिस्टम की जो साउंड है वो चली जाती है। तो
तो फिर आपको जो है वो बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत मैंने फेस की अपने टाइम में, तो आप लोगों को मैं ये मतलब वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूंगा, जो एडवांस यूजर होंगे वो तो कर ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल बटन इंस्टॉल पे करता हूँ क्लिक। स्पेस सेटअप डायलॉग एडिट रेड ओनली मल्टीलाइन ब्लैंक। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे प्रोग्रेस बार यहाँ पे नहीं बोलता कितना परसेंट हुआ इंस्टॉल, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। आप बस थोड़ा वेट कर लीजिए। Blank. 769 character selected. Virtual audio cable installation dialog installation completed successfully. Okay button. यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है, इसको मैं ओके पर करता हूँ क्लिक। Space desktop list virtual line cable dash technical DNA 22 of 23. तो बेसिकली जो है मेरा वर्चुअल केबल इंस्टॉल हो गया है। Notification chevron button show hidden user profile chamrim c1120 speaker/headphone:. अभी मुझे नहीं पता कि बट मेरे सिस्टम को इसने नहीं किया, पहले करता था बट इस बार जब इंस्टॉल किया तो इसने नहीं किया लाइन वन पे स्विच, बट आप लोगों का करेगा मुझे पक्का गारंटी। तो अगर ऐसा करे, ऐसा हो, अगर आपके डिवाइस के साथ ऐसा रिएक्शन हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो है NVDA का शॉर्टकट प्रेस करना है, NVDA प्लस कंट्रोल प्लस एस। तो मैं प्रेस करता हूँ NVDA प्लस कंट्रोल प्लस एस। सिलेक्ट सिंथेसाइजर डायलॉग सिंथेसाइजर कोलन। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बार प्रेस कर देना है टैब की को और यहाँ पे आप लोगों को प्रेस कर देना एक बार एस और इस पे करके आपको कर देना है एंटर। Desktop list. तो जैसे ही आप करेंगे तो आपके NVIDIA की वॉइस वापस से आ जाएगी, ठीक है। ओके गाइस, तो अब बारी है हमारे वर्चुअल केबल को कॉन्फ़िगर करने की। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कंट्रोल पैनल में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू को ओपन करके कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल CON कंट्रोल पैनल ऐप प्रेस राइट स्विच प्रीव्यू 101। ओके एंटर करता हूँ। CON कंट्रोल पैनल सर्च बॉक्स एडिट सर्च कंट्रोल पैनल ब्लैंक। ओके सॉरी गाइज, एक्चुअली मुझे सर्दी हुआ था कुछ टाइम पहले, इसलिए मैं दो दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, सो इसलिए मेरा गला ख़राब है थोड़ा आज। ओके सो मैं यहाँ पे साउंड लिखता हूँ, साउंड सर्च बॉक्स में आपको जाकर साउंड लिखना है, ठीक है, ताकि आपको नीचे में मिल जाए ऑप्शन। तो SOUND तो यहाँ पे साउंड लिंक पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर योर ऑडियो डिवाइसेस, इसका रहेगा डिस्क्रिप्शन। तो एंटर करता हूँ। साउंड डायलॉग प्लेबैक प्रॉपर्टी पे यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टैब, ताकि आप रिकॉर्डिंग टैब में पहुँच जाओ। Recording property page. Select the recording device below to modify. यहाँ पे आपको डाउनलोड करके जाना है लाइन वन पे। ध्यान रखिए आपको और कहीं पे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ लाइन वन पे जाना है। डाउनलोड करिए। Mic microphone stereo mix mid one sem line one semi virtual audio cable semi ready 506. यहाँ पे जाके आप लोगों को प्रेस करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड करेंगे तो अभी मेरे वाले में तो नहीं दिखा, आपके वाले में दिखा सकता है यहाँ पे कि लाइन वन रेडी, ठीक है, इसे ये दिखाएगा मिड वन लाइन वन सेमी वर्चुअल ऑडियो केबल सेमी लाइन वन सेमी वर्चुअल ऑडियो केबल सेमी। उसके बाद यहाँ पे दिखा सकते हैं आपका रेडी डिफॉल्ट डिवाइस। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट डिवाइस अगर आपका दिखाता है तो आपका जो बाय डिफॉल्ट जो आपका स्पीकर का जो ड्राइवर होता है माइक्रोफोन का, उसको आपको डिफॉल्ट बनाना। डिफॉल्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा है speaker/headphone वाला, आप प्रयोग करता हूँ, देखिए मिड वन सेमी स्टीरियो मिक्स सेमी माइक्रोफोन सेमी रियल टेक का, ये माइक्रोफोन है रियल टेक का ड्राइवर। इस ये जो है देखिए आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट दिखा रहे मिड माइक्रोफोन सेमी रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो सेमी रेडी 206 मिड इन द फ्रंट माइक्रो मिड इन द फ्रंट पैनल लेफ्ट पेरन लाइक राइट पेरन सेमी रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो सेमी डिफॉल्ट डिवाइस 106। ओके ओके, मेरा जब हेडफोन कनेक्ट होता था यहाँ पे मिक इन इट फ्रंट पैनल दिखाता है, और जब नहीं होता कनेक्टेड तो वो माइक्रोफोन सेमी ये वाला दिखाता है, ठीक है। तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि अगर आप श्योर नहीं अपने लैपटॉप के लिए, तो आप लोग एक बार कंट्रोल पैनल में जाकर एक बार सब टेस्ट कर लीजिएगा कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोफोन जो सेटिंग है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि ये जो लाइन वन जो है ना, इसको आपको डिफ़ॉल्ट नहीं बना के रखना, जो आपका डिफ़ॉल्ट में जो आपका माइक्रोफोन ड्राइवर होता है उसको आपको डिफ़ॉल्ट बना के रखना है। अब किसी भी ड्राइवर को या डिवाइस को डिफॉल्ट बनाने के लिए आपको बस वहाँ पे कर्सर ले जाके आपको टैप की को प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर एक बार और टैप प्रेस करना है, सेट डिफॉल्ट स्प्लिट बटन सब मेन्यू ऑल प्लस सेट डिफॉल्ट स्प्लिट बटन, इस पे आपको करना है स्पेस, ठीक है। कॉन्फ़िगर सेलेक्ट रिकॉर्डिंग डिवाइस, ठीक है, मैं लाइन 1 पे जाता हूं। अब स्टीरियो मिक्स लाइन 1 सेमी यहां पे आपको ऑल्ट प्लस पी प्रेस करना है, ताकि आप प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। तो ऑल्ट प्लस पी लाइन 1 प्रॉपर्टीज डायल, यहां पे आपको कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करना है। प्रॉपर्टी पेज यू कैन लिसन टू अ पोर्टेबल म्यूजिक क्लिप, यहाँ पे जो लिसन टू दिस डिवाइस है, लिसन टू दिस डिवाइस, इस पे आपको करना है स्पेस ताकि ये चेक्ड हो जाए, स्पेस चेक्ड, और टैब प्रेस करना है एक बार, प्लेबैक थ्रू दिस डिवाइस, प्लेबैक थ्रू दिस डिवाइस में यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, प्लेबैक थ्रू दिस डिवाइस कोलन डिफॉल्ट प्लेबैक डिवाइस, डिफॉल्ट प्लेबैक डिवाइस आपको डिफॉल्ट नहीं रखना, आपको करना है डाउन एरो स्पीकर/हेडफोन लेफ्ट, और जो भी आप मतलब जो भी आपका स्पीकर का डिफॉल्ट ड्राइवर है, चाहे आप एक्सटर्नल साउंड कार्ड यूज कर रहे हो, हाँ, या चाहे आप कोई हेडफोन ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हो, जो भी हो, मतलब
जिस भी डिवाइस जो भी डिवाइस से अभी आप अपना डेस्कटॉप का लैपटॉप का आउटपुट ले रहे हैं उस पर आपको अपना मतलब इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मेरा अभी डिफॉल्ट है स्पीकर स्लैश हेडफोन। अभी मैं अगर अपना साउंड कार्ड ला कर रखता तो यहाँ पे दिखाता यूज USB PN इस तरीके से कुछ दिखाता, ठीक है। ओके, तो हमारी सारी के सारी कन्फिगेशन हो गई है। अभी मैं यहाँ पे बटन प्रेस करता हूँ, टैब पावर मैनेजमेंट प्रूविंग कंटिन्यू रनिंग टैब ओके बटन ओके कैंसिल बटन अप्लाई बटन अल्ट प्लस अप्लाई, इस पे अप्लाई पर करना है एक बार स्पेस स्पेस प्रेस अवेलेबल और देन उसके बाद आपको प्रेस करना है ओके। टैब कंट्रोल लिसन टैब टू कैंसिल बटन ओके बटन स्पेस साउंड डायलॉग ओके टैब कैंसिल ओके बटन स्पेस प्रेस साउंड डैश कंट्रोल पैनल साउंड लिंक कॉन्फिगर योर डेस्कटॉप ओके गाइस। तो हमारा पूरी की पूरी कॉन्फिगरेशन हो गई है। अब आपको जो कॉन्फिगरेशन करनी है वो करनी है आपको टीम टॉक में। टीम टॉक में क्या करना है देखिए, आपको प्रेस आपको सबसे पहले टीम टॉक ओपन कर लेना है। Start window, return window, search box edit land. और यहाँ पे टीम टॉक ओपन करना है आपको। टीम टॉक 5 क्लासिक ऐप, प्रेस राइट टू स्विच प्रीव्यू 1 टू 5. टीम टॉक 5 क्लासिक वी. ओके, सो यहाँ पे मैंने टीम टॉक ओपन कर लिया। सो यहाँ पे गाइस अब आप लोगों को क्या करना है कि एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्या होता है गाइस, लाइक अभी हमें टीम टॉक में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिससे क्या होगा कि हमारा डेस्कटॉप का साउंड वो ट्रांसफर करेगा दूसरे मतलब लोगों के पास। वो सेटिंग को सेव करके रखने के लिए हम लोग मतलब प्रोफाइल क्रिएट करें, जैसे होता है ना एनवीडीए का प्रोफाइल, जॉस प्रोफाइल, वैसे ही टिमटॉक का हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एन, न्यू क्लाइंट इंस्टेंस डायलॉग सेलेक्ट प्रोफाइल कॉम्बो बॉक्स न्यू प्रोफाइल कोलैप्स्ड, इस पे आपको करना है एंटर न्यू प्रोफाइल डायलॉग प्रोफाइल। यहाँ पे नाम रखो तो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने मर्जी से रख सकते हो, डेस्कटॉप साउंड, वर्चुअल केबल, जो भी अपना, मैं यहाँ पे रखता हूँ वर्चुअल ऑडियो केबल। VIRTUAL virtual AUDIO audio CABLE virtual audio cable OK button OK पर कर देना आपको enter Team Talk 5 Classic V5 Team Talk 5 Classic V5 जैसे ही आप OK पर करेंगे प्रेस तो आपके पास Team Talk की दो विंडो ओपन हो जाएगी, एक जो आपने पहले ओपन किया था, दूसरी विंडो जो आप प्रोफाइल क्रिएट किया है यानी कि वर्चुअल ऑडियो केबल नाम से मैंने क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे आपको इस प्रोफाइल में कुछ साउंड सेटिंग्स आपको करनी होगी, क्या देखिए आपको प्रेस करना पड़ेगा सबसे पहले F4 Preferences dialog. तो ये प्रेस करती आप प्रेफरेंस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे कंट्रोल टैप करके आपको जाना है साउंड्स पे। कंट्रोल टैप करता हूँ डिस्प्ले प्रॉप कनेक्शन प्रॉप साउंड सिस्टम प्रॉपर्टी साउंड सिस्टम प्रॉपर्टी पेज, यहाँ पे देखिए आपको मैं टैप करके दिखाता हूँ। इनपुट डिवाइस कॉम्बो बॉक्स लाइन 1 लेफ्ट पेरेंट, इनपुट डिवाइस में आपको रखना है लाइन 1, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस कॉम्बो बॉक्स स्पीकर स्लैश आउटपुट डिवाइस में आपको डिसेबल पर रखना है, नो साउंड डिवाइस, सॉरी नो साउंड डिवाइस रखना है। लाइन 1 लेफ्ट स्पीकर्स नो साउंड, हाँ ये देखिए नो साउंड डिवाइस स्पीकर्स नो साउंड डिवाइस नो साउंड डिवाइस। इनपुट आप याद रखिएगा, इनपुट में लाइन 1 और आउटपुट में नो साउंड डिवाइस, इतना रख के आपको शिफ्ट टैप करके ओके पे कर देना है क्लिक। इनपुट विंडोज ऑन टैब कंट्रोल कैंसिल बट ओके बटन स्पेस प्रेस टीम टॉक 5, बस इतना आपने कर दिया। अभी एक काम करिए, टीम टॉक को करिए बंद, जितने भी आपने विंडोज ओपन करके रखे हुए हैं टीम टॉक डेस्कटॉप लिस्ट ओके। अब यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू करिए ओपन, स्टार्ट विंडो प्रथम विंडो सर्च बॉक्स एडिट लैंड, वापस ओपन करिए टीम टॉक को टीम टॉक 5 क्लासिक ऐप प्रेस राइट टू स्विच प्रीव्यू 1 टू 4 टीम टॉक 5 क्लासिक वी। अभी यहाँ पे आपको अपने सर्वर पे करना है कनेक्ट, तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ होस्ट मैनेजर डायलॉग डिफॉल्ट, और यहाँ पे जो है मैं अपने सर्वर पे कर लेता हूँ कनेक्ट। Team Talk 5 Classic V5.9.1 Dialog Channel List Preview Join Channel Root Technical DNA Left Parent 1 Right Parent Expanded 1 देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गया Join Channel Technical Join Channel Root Technical DNA। सो ये जो सर्वर Team Talk का है मैंने अपने खुद से सेटअप किया, अपने VPS में मैंने खुद का अपना Team Talk सर्वर सेटअप किया हुआ है। एंड गाइज अगर आप लोगों को भी अपना Team Talk सर्वर सेटअप कराना है अगर मेरे VPS पे, तो आप लोग मुझसे कर सकते हो कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन नंबर पे 7086525996, ठीक है 7086525996, या तो आप टेक्निकल डीएनए के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे कर सकते हो कॉन्टैक्ट, जो कि है official.technicaldna@gmail.com राइट। चलिए तो मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप नॉर्मली बात करिए कहीं से भी, आपको बात करना है जो करना है आप करिए। जब भी आपको शेयर करना है अपना कंप्यूटर साउंड आपको सिंपल क्या करना है कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है। अभी यहाँ पे आपका न्यू प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ये कॉम्बो बॉक्स के अंदर से आपको अपना वर्चुअल ऑडियो केबल का, अरे ये क्या बोल रहे हैं, हाँ तो वर्चुअल ऑडियो केबल का जो है आपको प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। देखिए न्यू प्रोफाइल वर्चुअल ऑडियो केबल, यहाँ पे एंटर करता हूँ टेक्निकल डीएनए डैश टीम टॉक 5 क्लासिक वी 5.9.1 डायलॉग चैनल लिस्ट प्रीव्यू। देखिए अब यहाँ पे टीम टॉक का वर्चुअल ऑडियो केबल का जो है वो प्रोफाइल ओपन हो गया है। अब आपको इस प्रोफाइल से सेम सर्वर पे आपको ज्वाइन करना, मैं करता हूँ ज्वाइन, देखिए होस्ट मैनेजर डायलॉग एंटर करता हूँ
Team Talk 5 Classic key 5.9.1 Virtual Audio Cable Dialog. Channels List Preview. Lexman Press Admitra is logged in. Okay. तो मैं इस सर्वर पे हो गया हूँ लॉग इन. अभी यहाँ पे आपको, अब देखिए आपने क्या किया ना, सेम सर्वर पे आप दो विंडो से ज्वाइन हुए. तो ऐसा हो सकता है आपके केस में कि जो है मतलब उस सर्वर से कोई जब बोले या आपकी जो खुद की जो वॉइस है वो आपको डबल डबल सुनाई दे. तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल प्लस एम. मास्टर वॉल्यूम डिसेबल्ड. जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो आपका मास्टर वॉल्यूम हो जाएगा डिसेबल्ड. मतलब आप अब मतलब इस इंस्टेंट से, इस विंडो से जो है आप अपना स्पीकर मतलब कुछ नहीं सुन पाएंगे. उस सर्वर से आती हुई किसी तरह की वॉइस आप नहीं सुन पाओगे. आप सिर्फ अपने मेन विंडो से सुन पाओगे वॉइस. ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक मैंने आपको कर दिया एक्सप्लेन. ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, जन अपने मेन विंडो पे ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ. टेक्निकल डीएनए डैश टीम टॉक 5 क्लासिक 5.9.1 रो 1 कॉलम 2 टेक्निकल डीएनए डैश टीम टॉक 5 क्लासिक. ओके, अब यहाँ पे मेन विंडो पे पहुँचने के बाद आपको प्रेस करना है डाउन एरो. अच्छा, एक और काम आपको करना पड़ेगा. वैसे आप वापस से वर्चुअल केबल वाले विंडो में आइए. टेक्निकल डीएनए डैश टीम, मैं बताना भूल गया था. और यहाँ पे आने के बाद आप प्रेस करिए F5. Change nickname dialog. और यहाँ पे अपना निकनेम चेंज कर लीजिए. कुछ भी आप रख सकते हैं, डेस्कटॉप साउंड. DESKTOP डेस्कटॉप SOUND Lexman Press Admitra डेस्कटॉप साउंड. टेक्निकल डीएनए. हाँ, नाम चेंज कर दिया. अब वापस से मेन विंडो में आइए. टेक्निकल डीएनए टेक्निकल. अब मेन विंडो में आने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक दो नाम शो कर रहा है. देखिए सबसे पहला है लेवल 0 टेक्निकल डीएनए लेवल 1 Lexman Press Admitra man 101. दूसरा Lexman Press Admitra डेस्कटॉप साउंड मैन डेस्कटॉप साउंड. ये दो नाम जो है अब यहाँ पे शो कर रहा है. तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आके यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करिए. वॉइस फॉर Lexman Press Admitra डेस्कटॉप साउंड डिसेबल्ड. अब इससे क्या होगा कि कंट्रोल प्लस एम पर प्रेस करने से सबके लिए आपका स्पीकर म्यूट हो जाता है. और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करने से जिस पर्सन के ऊपर या जिस यूज़र के ऊपर आपका फोकस है उसका स्पीकर वॉल्यूम डिसेबल हो जाता है. मतलब वो जो बोलेगा तो आपको नहीं सुनाई देगी. राइट, ओके. तो इतना मैंने आपको बता दिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है असली कमाल. अब आपको प्रेस करना है NVIDIA प्लस कंट्रोल प्लस एस. सेलेक्ट सिंथेसाइजर. आपको प्रेस करना है टैब. ऑडियो आउटपुट डिवाइस कोलन. आपको प्रेस करना है एल. एल लाइन 1 लेफ्ट पेयर. और आपको प्रेस करना है एंटर. टेक्निकल डीएनए डैश टीम टॉक 5. अब जो है उस सर्वर पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सब तक आपकी NVIDIA की जो वॉइस है वो पहुंचेगी. अब आप कहोगे NVIDIA की वॉइस नहीं पहुंचानी लक्ष्मण भाई, मुझे पूरा पूरा सिस्टम का वॉइस पहुंचाना है. तो सिंपल, आप एक काम करो, यहाँ पे NVIDIA प्लस बी प्रेस करो. नोटिफिकेशन सेवन. डाउन एरो प्रेस करिए. यूजर प्रोफाइल स्ट्रीम C1120 स्पीकर स्लैश हेडफोन कोलन टूल टिप. इस पे एंटर प्रेस करिए. वॉल्यूम कंट्रोल विंडो. साउंड जो आपका साउंड एरिया वहाँ पे कर्सर ले जाकर एंटर प्रेस करिए. और यहाँ पे जो साउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे टैब प्रेस करिए. सेलेक्ट प्लेबैक डिवाइस एक्सपैंड कोलन स्पीकर स्लैश हेडफोन लेफ्ट. इस पे करिए एंटर. प्रेस सेलेक्ट प्लेबैक डिवाइस कोलन. और यहाँ पे आप लाइन 1 सेलेक्ट कर लीजिए. लाइन 1 लेफ्ट पेयरिंग वर्चुअल ऑडियो. पूरा का पूरा सिस्टम लाइन 1 पे सेट हो जाएगा. सेलेक्ट प्लेबैक. अब पूरी सिस्टम की वॉइस आपके वो सर्वर में पहुंचेगी. टेक्निकल डीएनए डैश टीम टेक्निकल. चेक करना है तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको करके दिखाता हूँ. यहाँ पे जो मैंने मास्टर वॉल्यूम डिसेबल किया था लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा डेस्कटॉप साउंड के लिए, उसको मैं वापस से अनेबल करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करके. देखिए वॉइस फॉर Lexman Press Admitra डेस्कटॉप साउंड इनेबल्ड. देखिए Lexman Press Admitra मैन 101 लेवल 1. Lexman Press Admitra डेस्कटॉप साउंड मैन 101 लेवल 1. ओके, वॉइस तो आ रही है. मतलब आई थिंक आप लोगों को रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाई दे रही होगी, बट गाइज वॉइस जो है वो आ रही है. ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप इसको अपने जो साउंड है उसको आप शेयर कर सकते हैं. राइट, अच्छा मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कोई जुगाड़ लगाने की कि आपको रिकॉर्डिंग में भी वॉइस सुनाई दे. सो गाइज मैंने फिक्स कर लिया जो प्रॉब्लम थी, अब मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी सुना पाऊंगा. देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करिए. तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेरा मास्टर वॉल्यूम अनेबल हो जाएगा. देखिए यहाँ पे आपको डबल डबल वॉइस आ रही होगी मेरी NVIDIA की. देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ. देखिए देखा गाइस, आप लोगों ने एको हो रही है. और डबलिंग टाइम पे आप लोगों को जितनी क्लियर वॉइस आ रही है उतनी ही क्लियर वॉइस वहाँ पे बैठे सर्वर पे जो लोग बैठे हैं आपको ज्वाइन किए हैं उतनी ही क्लियर वॉइस आएगी. और गाइस सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये है गाइस कि किसी भी टीम टॉक यूज़र से पूछ लीजिएगा जो कि इस तरीके से अपना साउंड शेयर करते हो. इनफैक्ट मैं खुद जो है अपने मतलब एक दो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मतलब पढ़ा चुका हूँ इनफैक्ट टीम टॉक पे. और उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा. मतलब इतनी क्लियर वॉइस तो आई थिंक जूम भी नहीं दे पाता. आई थिंक या नहीं दे पाता है जूम. मैंने ट्राई किया है जूम स्काइप कोई भी,
इतनी क्लियर वॉइस वो भी एनवीडिया की तो नहीं दे पाता जिस तरीके से मैं आप लोगों को शेयर करके सुनाता हूँ। एंड रियली बहुत ही ज़्यादा कमाल की वॉइस आती है। अगर आपको बिलीव नहीं था आप लोग मुझे कभी ज्वाइन करिएगा टीम टॉक में, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। एंड गाइज अगर किसी को टीम टॉक सर्वर अपना चाहिए होस्ट करना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस, इनफैक्ट $1 से भी ज़्यादा कम प्राइस में मैं आप लोगों का सेटअप करा के दे दूँगा। एंड सबसे ज़्यादा कमाल की बात तो ये होगी गाइज कि जो दूसरे जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं ना गाइज, जो भी मतलब एक दो लोग टीम टॉक को सर्वर होस्ट करते हैं उन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते कि लाइक आपके पास आपका खुद का डोमेन नेम है और आप चाहते हो कि अपना होस्ट नेम में आप अपना डोमेन नेम एंटर करो अपने कंपनी का, ये जो फैसिलिटी ये कोई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। ये गाइस तो ये बात है, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड बाय।